आपका जोश वास्तव में नजर आना चाहिए। जयकारा से एक दफा उदयपुर के गुलाबबाग में हमारे असम के राज्यपाल महोदय इसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो जयकारा जोरदार होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे नगर निगम की तरफ से वर्षों से इस ट्रेन के चलने की इंतजार में, जब मैं भी एक दफा पार्षद हुआ करता था और रजनी जी हमारी सभापति भी थी और महापौर भी बनी, उस टाइम पर भी हमने कोशिश की मगर उसमें हम कामयाब नहीं हुए। मैं तो महामहिम महोदय राज्यपाल गुलाब जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने वास्तव में वो चिट्ठी वाला प्रयास हमारा रहना चाहिए। गुलाब जी भाई साहब, जो भी इस उदयपुर के लिए अच्छा क्या होता है उसके लिए हमेशा मतलब रात और दिन सोचते हैं और उसको पूरा करके ही पीछा छोड़ते हैं। वास्तव में मैं गुलाब जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे ग्रामीण विधानसभा है और ग्रामीण ही नहीं है, पूरे देहात की पंचायतों से जो भी यहाँ पर उदयपुर में आते हैं तो एक दफा गुलाबबाग के लिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में छुट्टी होती है तो संडे का दिन की इंतजार करते थे कि गुलाबबाग में जाएंगे, वहां पर शेर चीता और जंगली जानवरों को भी देखेंगे और ट्रेन का भी सफर करेंगे। मैं गुलाब जी भाई साहब का वास्तव में हमारे जो बायोलॉजी पार्क बनाई है वहां पर जो यहाँ पिंजरे में रहते थे जंगली जानवर आज खुले में घूम रहे हैं और हमारे को वहां पर देखने का भी सुअवसर आपने जो उपलब्ध कराया। वास्तव में गुलाब जी भाई साहब की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है मगर समय को देखते हुए मैं वास्तव में हमारे प्रथम नागरिक जीएसडी टांग साहब, उप महापौर पारस जी सिंह साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब और मेरी भाभी साहब, बड़ी दीदी कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं है, अनिता जी कटारिया, जो वास्तव में भर साहब को जो राजनीति के अंदर संभल दिया और आज राज्यपाल बनने के बाद में भी आप साथ में इनका सहयोग कर रहे हैं, भाभी जी को भी चरणों में नमन करते हुए इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रताप सिंह जी जो इस ट्रेन का कॉन्ट्रेक्टर है और जो अभी मनोहर जी भाई साहब ने जो बताया, शरारती कितने भी कुछ करे मगर वो उनके नसूबों में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प किया है, गुलाब जी भाई साहब का आदेश माना है और हमारा महापौर जी, उप महापौर जी, पूरी नगर निगम की टीम लगकर इस ट्रेन को चलाने के लिए प्रयास किया और जरूर कामयाब होंगे। मेरे सामने विराजे हुए हमारे रविंदर जी श्रीमाली साहब, ताराचंद जी जैन साहब, उप महापौर लोकेश जी द्विवेदी साहब, मेरी किरण जी, महामंत्री जी, पार्षदगण, सम्मानित सभी मेरे लोकप्रिय यहाँ के पार्षदगण और मेरे पिता तुल्य यहाँ के नागरिक बंधु और मेरे युवा साथी भाई और बहनों, बंसी जी हमारे राजसमंद के पूर्व विधायक, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब वास्तव में पहली बार गुलाबबाग में आया तब लगा कि ये तो एक हमारे लिए कश्मीर से भी ज्यादा सुंदर है। हमने कश्मीर तो नहीं देखी मगर गुलाबबाग में हम कश्मीर नजर आती थी क्योंकि यहाँ पर हर तरह का था। बर्ड पार्क के लिए भी गुलाब जी भाई साहब ने जो वास्तव में यहाँ पर अलग अलग पूरे हिंदुस्तान के जो पक्षी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अभी पारस जी भाई साहब कह रहे थे कुछ जो राशि की कमी थी उस राशि को भाई साहब ने पास करवाया, मैं आपका तहे दिल से चरणों में नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ इस गुलाबबाग के लिए। ये हमारा बाहर के लोगों को आने के लिए और यहाँ पर गुलाबबाग में घूमने के लिए स्वर्ण की तरह स्वर्णीय अवसर मिलता है क्योंकि यहाँ आदि लागन फटगड़ी रंगा हुआ छोको किराया भाड़े लागे, बस स्टैंड आया और उदयपुर के अंदर कोई काम के लिए आए, सामान खरीदने के लिए आए तो घंटा दो घंटा गुलाबबाग का जरूर भ्रमण करने के लिए सोचते हैं और हमारे ग्रामीण